उमर रियाज के एडिक्ट होते ही करण कुंद्रा ने खेला बड़ा खेल। क्यों करण कुंद्रा ने दिया उमर रियाज को धोखा, क्या हुआ ऐसा, आइए जानते हैं। दरअसल बिग बॉस ने आज सभी कंटेस्टेंट को नॉमिनेशन टास्क दिया। इस टास्क में वीआईपी और नॉन वीआईपी दोनों को नॉमिनेट कर सकते हैं और इसी दौरान करण कुंद्रा ने रश्मि देसाई को नॉमिनेट किया और ये बात रश्मि देसाई को काफी बुरी लगी और वो इमोशनल भी हो जाती है। और फिर बाद में रश्मि देसाई करण कुंद्रा से आकर कहती है कि अगर आज उमर रियाज होते तो करण शायद रश्मि को नॉमिनेट नहीं करते। फिर करण कुंद्रा रश्मि से पूछते हैं कि क्या रश्मि तेजा के लिए खेलेगी, जिस पर रश्मि कहती है कि वो कभी तेजा के लिए नहीं खेली, वो करण कुंद्रा के लिए जरूर खेली है। फिर रश्मि देसाई का कहना है कि वो उमर रियाज के जितना फिजिकल स्ट्रांग तो नहीं है लेकिन वो करण कुंद्रा के लिए लड़ती, लेकिन आज जो करण कुंद्रा ने रश्मि के साथ किया ये रश्मि को काफी बुरी लगी। आपको बता दें कि जब तक उमर रियाज बिग बॉस के घर में थे तब तक करण कुंद्रा ने रश्मि देसाई को कभी नॉमिनेट नहीं किया, बल्कि करण ने उल्टा कई बार तेजा को नॉमिनेट किया। और अब करण कुंद्रा तेजु प्रकाश को सेव करने के लिए रश्मि देसाई से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और उन्हें नॉमिनेट कर रहे हैं ताकि तेजा सेफ रहे। वाकई करण कुंद्रा ने रश्मि देसाई के साथ माइंड गेम खेला। तो दोस्तों आपका क्या कहना है इस पे, करण कुंद्रा ने जो कुछ भी रश्मि देसाई के साथ किया तेजा को लेकर, क्या ये सही है? कमेंट कर नीचे लिखे। बिग बॉस 15 के हर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें गपशप। तो